हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईबीपीएस का जो क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है, आज जो सितंबर है वो ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली। आपके पास सिर्फ 2021 में 3 महीने ही बचे हुए हैं। 3 महीने के अंदर ही आप का नोटिफिकेशन भी आना है, फॉर्म फिल भी होने हैं, मेंस पेपर भी होना है, प्री पेपर भी होना है और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलना है। और वहीं ये भी बात की जा रही है कि NRA CET भी आएगा। तो NRA CET पहले आएगा कि बाद में आएगा, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम पहले आएगा कि बाद में आएगा, NRA CET उसके अंदर लागू होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। अगर मैं अपने व्यू की बात करता हूं तो अभी तक अगर IBPS का जो IBPS क्लर्क का नोटिस है आना होता तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले NRA CET के बारे में भी एक वीडियो वायरल, एक नोटिस वायरल हुआ था, उसके अंदर बताया गया था कि NRA जो है 2022 के फर्स्ट वीक से यानी कि जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी ये सब जानते हैं कि तीन महीने के अंदर IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, फॉर्म फिलिंग से लेकर और लास्ट जॉइनिंग लेटर तक। तो उसके बाद अगर NRA आ जाएगा तो NRA के बाद कहीं 2022 के लास्ट में या बीच में आपको दोबारा IBPS की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर NRA क्यों लिया जा रहा है जब अपने सब वैकेंसी निकाल ही रहे हैं। तो अभी SSC ने भी अपना ग्रुप सी के लिए पोस्ट 9 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है रिक्रूटमेंट के लिए। जब ये छोटी पोस्टें निकल ही रही हैं तो NRA कब होगा, NRA किस चीज़ पे लागू होगा? जब ये पोस्ट निकल ही रही हैं, रिक्रूटमेंट हो ही रहे हैं अपने तरीके से, NRA का अभी कुछ अता पता ही नहीं है, इसका सिलेबस क्या होगा पता नहीं, होगा भी या नहीं होगा, तो जो कैंडिडेट हैं उनको परेशान करने के लिए जो डिपार्टमेंट हैं वो लगे हुए हैं। SBI ने सबसे पहले पेपर ले लिया था लेकिन सबसे लास्ट में रिजल्ट दिया। IBPS का ये जो टाइम चल रहा है, ये प्री कंडक्ट होने के बाद मेंस के लिए टाइम चल रहा है लेकिन अभी तक फॉर्म फिल ही नहीं हो पाया है। फॉर्म आया भी था तो वो वापस वैकेंसी जो है विड्रॉल कर ली गई। कुछ पता नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कि NRA के बाद आएगा, NRA के पहले आएगा। सिर्फ कैंडिडेट जो है परेशान हो रहे हैं कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। आ सकता है आपका इन 10 दिन के अंदर, 1 से 10 तारीख के अंदर आपका IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आएगा तो आपकी जो वैकेंसी है वो 6 से 7-8 महीने के अंदर ही कंप्लीट होगी, उसके बीच में कहीं NRA आपका आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि बैंकिंग बोर्ड की पल पल अपडेट से आप अपडेट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।